अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान मरीज चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ चपली कबाब, पेशावरी चपली कबाब। चपली कबाब पेशावर की बहुत ही फेमस कबाब है, इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हाफ के जी मटन का कीमा है, बट इसे मशीन से पीस लेना है बहुत बारीक सा, और विथ फैट होना चाहिए। चपली कबाब फैटी गोश्त जो होता है उससे बनाया जाता है। आप चाहे तो चिकन में बना सकते हैं, बड़े में बना सकते हैं। और हमें चाहिए मसाला, मैं यहाँ पे ली हूँ 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून कुटी हुई गोल मिर्च, 2 टीस्पून अजवाइन है खड़ा है ये, नमक एज अ टेस्ट। और मैंने इस स्पून से ये टेबल स्पून है 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून धनिया, इसे दरदरा पीस लेना है एक साथ मिलाकर। और हमें चाहिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून अनारदाना है ये, और यहाँ पे मैंने लिया है मिर्ची है, तीखी वाली मिर्ची है, हरी मिर्च में जो तीखा लाल मिर्च जो हो जाता है वो वाला है, अलग से ये ड्राई नहीं है, देख लीजिए ये मेरे पास था तो मैंने ले लिया, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने हरी मिर्च लिया है, और यहाँ मैंने 3 इंच अदरक का टुकड़ा है इस तरह से इसे काट लिया है। इसे हमें पीस लेना है, बहुत बारीक से नहीं पीसना है, इसे भी हमें दरदरा पीसना है। और हमें चाहिए मकई का आटा, चपली कबाब में मकई का आटा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ का टमाटर, इसे इस तरीके से कट कर लेना है, देख लीजिए बहुत बारीक सा नहीं करना है। मैंने इसे अच्छे से देखिए मोटा दरदरा पीस लिया है, जीरा धनिया है ये, और ये मिर्ची अनारदाना और अदरक है, इसी तरह मोटे। यहाँ देखिए मैंने इसे दरदरा पीस लिया है, ये मिर्ची अनारदाना अदरक है, इसी तरीके से मोटा पीसना है दरदरा सा। और यहाँ पर मैंने इसे भी पीस लिया है, देख लीजिए दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब इसे मिला देना है, इस मसाले को भी मिलाना है, नमक आप अपने हिसाब से देख लें। टमाटर अभी आटा मिलाना नहीं है, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर बाद में आटा मिलाना है। अब इसमें डालना है 1 अंडा, दो मीडियम साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ, अब इसे अच्छे से मिला लेना है। अब मैं मिलाऊंगी यहाँ पर मकई का आटा, मैंने भर भर के लिया है 4 टेबल स्पून, इसे अच्छे से मिला लेना है। अब इसे ढककर फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है, आप चाहे तो 1 घंटे बाद भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इसे रख देती हूँ, 2.5 घंटा हो चुका है, मैं इसे फ्रिज से बाहर निकाल ली हूँ। चलिए चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं, तो चलिए फटाफट से चपली कबाब बना लेते हैं। इसे बनाने से पहले सबसे पहले हाथ को भिगा लेना है पानी से, पानी देखिए ठंडा होना चाहिए,
हाथ मेरा धुला हुआ है, पानी ठंडा होना चाहिए यानी फ्रिज का पानी होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस कीमे को, साइज़ अपने हिसाब से रखिए, बट जो चापली कबाब होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, देख लीजिए। एक तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, एक तरफ मैंने तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तवा भी गर्म हो चुका है, तेल भी गर्म हो चुका है। चापली कबाब मटन के फैट में बनाया जाता है, बट मैं इसे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। और चापली कबाब का साइज़ जो है अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर दे रही हूँ, पहले मैंने हाई रखा था गर्म होने के लिए। और इस चापली को आपको ढकना नहीं है, ढक के फ्राई नहीं करना है, इसे खोल कर ही फ्राई करना है। अब मैं इसे पलट देती हूँ, इस तरीके से बनाइए चापली कबाब, आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। ये अच्छे से फ्राई हो गया, मैं इसे निकाल देती हूँ। और चापली कबाब जो है ज़्यादा तेल में फ्राई किया जाता है, फिर भी मैं यहाँ कम तेल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेल में। देखिए मैं इसे निकाल ली, कितना अच्छा बना है ये। इसी तरीके से सबको फ्राई कर लेना है। आप मेरे बताए हुए मसाले से चापली कबाब बनाइए, आपका चापली कबाब बहुत ही लजीज बनेगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप जब खाएंगे तो आपके मुंह में अजवाइन का, धनिया का जो टेस्ट जाएगा फिर आप मुझे बताइएगा। और मैंने जितना भी मसाला इसमें यूज़ किया है सभी मसाले परफेक्ट हैं। चापली कबाब में नींबू या दही ये सब यूज़ नहीं किया जाता है। ये चापली कबाब कम्प्लीट हो गया, इसे निकाल लेना है। चापली कबाब बन के रेडी है, बहुत ही अच्छा कबाब बना है ये। आप इस पेशावरी चापली कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट मैं बता रही हूँ बहुत ही अच्छा आता है, मैंने इसे बहुत बार ट्राई किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।